नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांश न्यूज। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड के टिहुली पंचायत में आए हुए हैं। हम आपको बता दें कि लोग कैसे कैसे अभी हो गए हैं समझ में नहीं आ रहा है। चंदा के पैसे खाने में उनका ना हाथ कांप रहा है ना उनको कुछ हो रहा है। बता दें कि यह पीछे जो हमारा मंदिर जो देख रहे हैं, यह माँ काली का मंदिर है और यह माँ काली के मंदिर निर्माण में सकरा के वर्तमान विधायक अशोक चौधरी के तरफ से 1,11,000 रुपया यह मंदिर निर्माण हेतु दिया गया था, लेकिन वह पैसा गमन की बात हो रही है। वह पैसा 1,11,000 रुपया जो है यह मंदिर निर्माण में नहीं लगा है, जैसा कि यह तमाम ग्रामीणों का कहना है। बाकी पैसा मिला कि नहीं मिला उसका साक्षात गवाह हमारे साथ ये बाबा है। ये बाबा बोल रहे हैं कि पैसा अशोक चौधरी जी यही पे आके 1,11,000 रुपया इलेक्शन के समय में यानी कि 2020 में दिए थे, यानी कि आज से 4 साल पहले पैसा तो मिला, लेकिन यह मंदिर में वह पैसा 1 रुपया नहीं लगा। चलिए यह पहले बाबा से जानते हैं कि कैसा कैसा क्या बात है। क्या नाम हुआ बाबा? बालाराम। क्या हुआ था? 1,00,000 रुपया कितना अशोक चौधरी जी पैसा दिए? 1,11,000। किसके हाथ में दिए थे? मुखिया को। कौन मुखिया? सुरेंद्र प्रसाद। तो सुरेंद्र प्रसाद जी इसमें पैसा लगाए जी? ना। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जैसा जो जो काम बचा हुआ है वो पैसा लगा करके काम होना चाहिए। यही बात है। का अभी अधूरा काम है जी। 1,11,000 रुपया मिल जाएगा तो पूरा काम हो जाएगा। हाँ, होगा। हाँ, कम तो इस विषय पर विधायक अशोक चौधरी से बात नहीं किया जी? ना। बात तो करना चाहिए ना कि आप जो पैसा दिए हमारा जो काम के लिए पैसा दिए, तो खाने के लिए पैसा नहीं दिए? ना ना, खाने के लिए नहीं। जैसे मंदिर में नहीं लगा? हाँ, नहीं लगा। सुरेंद्र प्रसाद जी से पूछे कि पैसा कहाँ गया? हाँ, पूछिए। आप पूछे? पूछा कि वो तो कहा कि जब तब काम होते नहीं हो, होगा होगा, बस यही बात। होगा होगा लेकिन ना हो चाहिए। हाँ, हाँ। क्या बोलना चाहिएगा भाई? पैसा मिला था 1,11,000? मिला है। हाँ। लेकिन मंदिर का काम नहीं हो रहा है। हाँ। क्या कहना चाह रहे हैं? कि काम मंदिर का होना चाहिए। काम चालू करवाया जाए। काम चालू करवाया जाए। रास्ता पारा नहीं है। 1,20,000 का वादा करता है, उधर से घुमा देता है, उधर से घुमा देता है, रास्ता पारा है नहीं। यही सब होना चाहिए। पैसा किसके पास है? सुरेंद्र प्रसाद जी के पास था। जो बोलते हैं कि अगला आदमी के दिए हुए ब्याज पर मंदिर को, मंदिर के जितने भी मेंबर है ना, जो भी मंदिर का अध्यक्ष थे, मेंबर थे, उपाध्यक्ष थे, जितने भी लोग थे, उन लोगों के पास पैसा गया। पैसा एक दूसरे के पास चला हुआ गया, मगर किसी ने ये नहीं बोला पैसा हमारे पास। सब पैसा इंटरेस्ट पर चला गया। इंटरेस्ट पर जाने के बाद ये हुआ, अध्यक्ष लोग सब अपना घर पे सोए, किसी को जरूरी नहीं है मंदिर से। हम लोग युवा जितने भी है, क्या बार ट्राई किए, क्या बार कोशिश किए, जहां भैया मंदिर बन जाए, हमारा गाँव का मंदिर है। क्योंकि अदर पंचायत में चले जाइए, चंदनपट्टी, पिपड़ी, कहीं भी आप चले जाइए, कहीं भी जितना उस मंदिर में बॉल लगा है ना, उतना पूरे डिबली पंचायत के मंदिर में बॉल नहीं है। ओनली इस मंदिर का जो आप हाल देख रहे हैं, टूटा फूटा, इसमें कुत्ता बिल्ली कुछ भी आता है जाता है, यहाँ लोग सट्टाबाजी कुछ भी कर रहा है खुलियाम, न इसमें ग्रिल है न दरवाजा है। क्या चाहते हैं? वो पैसा गमन हो गया या पैसा मिलेगा? पैसा गमन नहीं है। सब लोग बोलता है जो पैसा है, पर पैसा कहाँ है भाई? तुम लोग आके यहाँ पैसा दो, अशोक चौधरी दे के चले गए, उनका काम तो काम हो गया। वो भी हमारे पंचायत से अच्छा खासा वोट से दे के जीते हैं, मगर भैया जो पैसा आप दे के गए हैं उनको तो अब कोई काम ही नहीं है। जो गाँव के जो प्रतिनिधि थे, जो भी हमारे गाँव के इसमें मेंबर थे, 5-7 आदमी है, 5-7 आदमी जो मिल के बोले थे मंदिर का काम करवा। समाज में पूछे ना आप लोग किसे, आप पैसा क्या? पूछते हैं ना हम लोग, तो बोलते हैं काम हो जाएगा, इलेक्शन आएगा तब होगा, यानी इलेक्शन के टाइम में काम होगा। बाकी 4 साल सब लोग ऐसी रहेगा मंदिर, कुत्ता बिलाई घुस जाता है मंदिर में, सब ठीक बात है। और लोग से पूछिए, यहाँ पर साफ तौर पर समझिए कि केशवपुर में भी विधायक के तरफ से 1,00,000 रुपया वहां भी दिया गया था, और वहां के भी मुखिया के मिली भगत से लोग पैसा गबन कर लिए थे। और हंगामा, मारपीट, दंगा फसाद हुआ तो पैसा दिया गया, लेकिन यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीका से पैसा मांगा जा रहा है तो लोग ताल मटोल कर रहे हैं। जो भी पूर्व मुखिया थे उनको हाथ में पैसा मिला था, लेकिन अब उनके पास है या नहीं है, जनता को अभी तक गुमराह ही किया जा रहा है। बाकी बहुत सारे आप हैं भैया, वही जो पैसा खर्चा नहीं हो रहा है, सब रखा हुआ है, उसको खर्चा करना है, अगला से पैसा मिला है उसको लगाना है। इसमें पैसा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, काम होना चाहिए। देखिए, यही माँ काली का मंदिर है और यह माँ काली का मंदिर निर्माण हेतु पैसा तो दिया गया, लेकिन पैसा इसमें खर्च नहीं होने की आशंका जता रही है। बाकी जो यह मंदिर निर्माण हुआ है, लोगों का कहना है आम पब्लिक के चंदा से हुआ है। आम पब्लिक से भी हुआ था, 1,500 करके दिया था। जो यह मंदिर निर्माण अभी तक यहाँ तक जो देख रहे हैं आप लोग, बताया जा रहा है कि आम पब्लिक के पैसा जो चंदा चुटकी से होता है उससे हुआ है, और जो पैसा अशोक चौधरी विधायक जी के माध्यम से दिया गया था उससे नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ पे लोग खोजबीन कर रहे हैं, जिसके पास पैसा है भैया देने का प्रयास कीजिए और यह मंदिर निर्माण बनवाने का प्रयास कीजिए। बाकी यहाँ पे थोड़ा कैमरा घुमाइए, बहुत सारे लोग मतलब यहाँ पे है, इन सभी लोगों के मौजूदगी में हमारी बात हुई है। जो बात होने के कारण और सबसे बड़ा निचोड़ यही निकल के आया है कि जो भी पैसा रखे हुए हैं, चंदा के पैसा अगर खाइएगा तो समझिए कि आपका
बहुत बड़ा सनातन धर्म में दुख वाला बात होता है वही होगा। तो जो भी है पैसा का दिक्कत, जो भी पैसा की समस्या जनता के बीच में आनी चाहिए। तो बने हुए थे आप हिमांशी न्यूज के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।